लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय संजय राउत जी ने कहा कि मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनका सम्मान होता है, कोई उनका ऑटोग्राफ मांगता है, कोई उनको झुक कर नमन करता है, कोई उनसे अपॉइंटमेंट मांगता है, कोई मोदी जी जब बॉस कहता है, वो सम्मान मोदी जी का नहीं है, देश का सम्मान। मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे मन में कोई मुगलता नहीं है कि नरेंद्र मोदी व्यक्ति का सम्मान है, ये नरेंद्र मोदी नाम के देश के प्रधानमंत्री का सम्मान। मगर इतने सारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान देते हैं, इससे देखकर आप भी जरा देना चालू करो तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। माननीय कम्युनिस्ट पार्टी के दो सदस्यों ने मेरी पार्टी का उल्लेख देकर कहा कि मेरी पार्टी का आजादी के आंदोलन में कोई इतिहास नहीं है, हिस्सा नहीं। सुनिए, मगर मैं उनके एक व्यवहारिक जनरल नॉलेज पर क्वेश्चन उठाना चाहता हूं कि जो व्यक्ति का, मतलब इंस्टीट्यूशन के नाते कहता हूं, जो पार्टी का जन्म ही 1950 में हुआ हो, वो आजादी के आंदोलन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं भैया? हमारी पार्टी का जन्म ही 1950 में हुआ, हम कैसे आजादी का आंदोलन लड़ेंगे? मान्यवर, मगर कई ऐसे हमारे फाउंडर मेंबर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर कई सारे, आज बंगाल अगर भारत में है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण है, और अगर आज कश्मीर भारत में है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण। और मान्यवर, ये कह रहे थे ये नागपुर से इशारा आता है, नागपुर से, ठीक है भाई, चलो एक सेकंड के लिए मेरी बात मान लो, नागपुर से इशारा आता है, आपकी बात को मैं मान लेता हूं, मगर नागपुर तो भारत का हिस्सा है, रसिया या चीन नहीं है। आपकी पार्टी तो रसिया और चीन से इशारा लेती थी। मान्यवर, ये मुझे क्या कह रहे हैं? कम्युनिस्ट पार्टी बात कर रही है देशभक्ति की, कम्युनिस्ट पार्टी देशभक्ति की बात कर रही है। मान्यवर, इनको ये ठीक नहीं लगता। माननीय चिदंबरम साहब ने कहा कि दिल्ली के लिए भी बीजेपी का अधिकार नहीं, दिल्ली में बीजेपी की दोनों बार सरकार नहीं हुई। भाई अगर यही सिद्धांत है तो आपको तो बोलने का ही अधिकार नहीं, आपके तो ना संसद सदस्य है ना धारासभा में कोई सदस्य है, हमारे कम से कम सातों सात संसद सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, और यही थियरी को माने तो विपक्ष के नेता ने ढेर सारे राज्यों के लिए वो बोल ही नहीं पाए, यूपी के लिए नहीं बोल पाएंगे, बिहार के लिए नहीं बोल पाएंगे, बंगाल के लिए नहीं बोल पाएंगे, ओडिशा में नहीं बोल पाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में। ये सदन का हर सदस्य देश के झर्रे झर्रे के लिए चप्पे चप्पे बोल सकते, किस तरह से देश के गृह मंत्री को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते। माननीय, मैं सदन का सदस्य हूं तो भी देश के किसी भी हिस्से के लिए चिंता करने का मेरा अधिकार है और संविधान दत्त अधिकार। मान्यवर, किस प्रकार की बात इतने सीनियर व्यक्ति करते हैं? मान्यवर, 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 मणिपुर के लिए भी मैंने सदन से पहले ही आपको पत्र लिखा है कि मणिपुर के लिए चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। आज भी कहता हूं अभी 11 तारीख बाकी है, हमें कुछ छिपाना नहीं है, छुपाना आपको है जो चर्चा होने नहीं देते हैं, आपको छुपाना है। और मैं कहता हूं मान्यवर, 11 तारीख को चर्चा खड़गे जी कह दे, मैं कहता हूं इसी तरह से सुन नहीं पाएंगे, मान्यवर नहीं सुन पाएंगे, और इसीलिए मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार। मान्यवर, म,
मान्यवर उनको मालूम है, उनको मालूम है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी समय तय करती है। मैं अभी देश की जनता के सामने कहता हूं 11 तारीख को, एक सेकंड, सुन लिया मैंने, सुन लिया, बैठिए बैठिए। मान्यवर मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, ये चर्चा वो 267 के तहत चाहते हैं। एक सेकंड बैठ जाओ 267 के तहत चाहते हैं जिसमें मतदान का प्रावधान है। मान्यवर ये प्रावधान क्यों बना है? जब कोई सरकार बजट के तुरंत बाद अल्पमत में आ जाए और कोई बिल ही न लाए तो राज्यसभा में अविश्वास की दरखास्त का कोई प्रोविजन नहीं है, तो राज्यसभा में वोटिंग के साथ चर्चा हो इसलिए रूल्स लाया गया है। यहाँ तो हम हर रोज बिल लेकर आते हैं भाई, गिरा दो बिल बहुमत है, ये बिल गिरा दो, लो ये बिल ही गिरा दो, ये बिल गिरा दो। मान्यवर मुझे बताइए, देश की जनता देख रही है क्या हासिल है वोटिंग से, क्या हासिल है? सवाल आप मणिपुर की स्थिति, मणिपुर की चिंता और सरकार ने उठाए गए कदम पर चर्चा करने चाहते हैं या वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहते हैं? और वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी है तो भी हम डरते नहीं है, इसी बिल में कर लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी। मान्यवर 11 तारीख को चर्चा के लिए खड़गे साहब हाँ बोल दे, मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मान्यवर ऐसा है जयराम जी आपको भी मालूम है, अभी नहीं हो सकती, कल अविश्वास का प्रस्ताव है, आपको मालूम है। मान्यवर देश की जनता सुन ले, 8, 9 और 10 अविश्वास का प्रस्ताव है, इसलिए मुझे कह रही है कि आज 8, 9, 10 में चर्चा करिए। कांग्रेस पार्टी ही लाई है और मैंने सदन के पहले दिन से आपको पत्र लिखा है मान्यवर कि सदन में कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं, मैं हर बात का जवाब दूंगा, अरे मेरा संवैधानिक दायित्व। मगर जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती हो तब ये चाहते हैं मैं यहां बैठूं। मान्यवर इनको अविश्वास प्रस्ताव वही लेकर आए हैं, मगर इसकी संवैधानिक महत्व का मालूम नहीं है। सब अविश्वास का प्रस्ताव होता है, मैं वो सदन का सदस्य हूं, मुझे वहां रहना पड़ता है मान्यवर। और 11 तारीख में क्या बुराई है, क्या बुराई है 11 तारीख में, क्या बुराई है? मान्यवर चर्चा से भाग रहे हैं, ये चर्चा नहीं चाहते हैं मान्यवर, होने नहीं देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं मान्यवर कि चर्चा करनी नहीं है, और चर्चा करे तब बोलकर भाग जाना है। आज अच्छा है कम से कम एकता दिखाने के लिए वोटिंग करने के लिए बैठे हैं, चलो वो बहाने से भी बैठकर संविधान के नियमों के हिसाब से, संसद के नियमों के हिसाब से चर्चा करी, इसके लिए धन्यवाद। मेरा पूरा सदन से मान्यवर निवेदन है कि जो मैं विधेयक लेकर आया हूँ इसको पारित किया।